दोस्तों अभी YouTube पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जो कि काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि अगर आप अपने मोबाइल पर एक नया चैनल भी बना रहे हो तो वो आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है। देखो एक चीज़ तो आपको अच्छे से पता है कि आप सबने सुन रखा होगा कि अगर आप कोई ऐसी वीडियो डालते हो जो कि अगर YouTube के रूल नहीं फॉलो करती है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, ठीक है, गलत कोई वीडियो डाल देते हो तो उसकी वजह से आपको स्ट्राइक आती है और अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल डिलीट हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर आप नया चैनल भी बना रहे हो, ठीक है, उस पर वीडियो डाल रहे हो तो आपका चैनल डिलीट हो जा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने एक दोस्त से बात करी तो मैंने खुद एक दोस्त का चैनल बनाया तो उस पर वीडियो भी नहीं अपलोड करी, समझ लो। अभी चैनल बनाया, शाम को चैनल बनाया और इस पर वीडियो नहीं डाला और सुबह सुबह वो चैनल डिलीट हो गया। तो आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नया चैनल बनाने पर डिलीट क्यों हो जाते हैं, बिना कुछ गलती करे आपका चैनल कैसे डिलीट हो जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसका रीज़न क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये चीज़ हो क्या रहा है। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने चैनल बनाया, कुछ मिस्टेक करोगे तब तो आपका चैनल डिलीट होना ही होना है, लेकिन अगर कुछ मिस्टेक भी नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि वीडियो भी नहीं डाल रहे हो, फिर भी चैनल डिलीट हो रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये रीज़न है कि अगर आपने अपने फ़ोन से कोई आपका एक चैनल था जिस पर आपने कुछ गलती कर दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कोई वीडियो पर स्ट्राइक आई या फिर स्ट्राइक नहीं भी आई, अगर आपने कुछ गलत वीडियो डाला है, YouTube की कम्युनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। तो अगर आपके फ़ोन पर जिस पर आप चैनल बना रहे हो उस डिवाइस से अगर कोई ऐसा चैनल डिलीट हुआ है, ठीक है, कोई आपने मिस्टेक करी आपका चैनल डिलीट हो गया, तो अगर उस डिवाइस में आप फिर से एक नया चैनल बना रहे हो, ठीक है, तो वो चैनल आपका डिलीट हो जाएगा, भले ही आप उस पर कितनी भी अच्छी वीडियो डालें, वीडियो ना भी डालो फिर भी डिलीट हो जाएगा। और ये अभी YouTube का एक नया सिस्टम है, नया रूल उसने लेकर के आया है कि अगर आपने कोई एक बार गलती से चैनल डिलीट करवा लिया है अपना, तो आप आगे जो ना आप नए नए चैनल बनाओगे वो भी आपके डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो रीज़न तो ये हो गया। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि अगर अब आप अपना एक नया चैनल बनाना चाहते हो तो उसी डिवाइस से मत बनाना, वरना फिर से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको नया चैनल बनाना है, ठीक है, तो आपको अपने दोस्त का एक फ़ोन ले लेना है, ठीक है, या फिर कोई नया फ़ोन ले लेना, सब कोई नया फ़ोन तो ले नहीं पाएगा, तो अपने घर में किसी दूसरे का फ़ोन ले लेना जिस पर आपका चैनल, मतलब ऐसा कुछ ना हुआ हो कि उसने चैनल बनाया हो और उसने गलती करा हो उसका डिलीट हो गया हो, ऐसा मोबाइल आपको ढूंढना है जिस पर चैनल अगर बनाया भी गया हो लेकिन डिलीट ना हुआ हो, ठीक है। तो ऐसा मोबाइल लेकर के आपको सिंपल सा नया जीमेल आईडी बनाना है और नए फ़ोन नंबर से आपको अपना जीमेल आईडी बनाना है। अगर आपने कोई ऐसा फ़ोन नंबर है जो फ़ोन नंबर आपके चैनल पर ऐड था जो डिलीट हुआ है, ठीक है, तो अगर फिर से उसी नंबर से बनाओगे तो फिर से डिलीट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल नया फ़ोन में नई ईमेल आईडी और नए फ़ोन नंबर के साथ आपको एक जीमेल आईडी बनाना है, उसके बाद आप चैनल बना लेना और जब चैनल आपका बन करके रेडी हो जाए फिर आप उसको अपने अपने फ़ोन पर लॉगिन कर लेना, ठीक है, उसका एक्सेस अपने फ़ोन पर ले लेना तो आपका चैनल डिलीट नहीं होगा। वरना अगर आप खुद के फ़ोन से ऐसे ही नॉर्मल बना लोगे और आपका चैनल एक बार डिलीट हो गया तो चाहे जितने चैनल बना लेना, वीडियो डालना चाहे ना डालना, आपका चैनल डिलीट होना ही होना है, क्योंकि YouTube का सिस्टम हो गया, ठीक है, YouTube ने ऐसा कुछ कर ही दिया कि ये चीज़ होगा ही होगा। तो अपने दोस्त का किसी का ले लेना, जरूरी नहीं कि नया ही फ़ोन हो, पुराना फ़ोन हो, लेकिन वो आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। नया फ़ोन नंबर, नई ईमेल आईडी और बिल्कुल नया चैनल आप बना सकते हो, बाद में अपने फ़ोन में उसको ले लेना, जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर YouTube टीम से जो मैंने बात करी है तो उन्होंने क्या कहा है। तो मैंने सबसे पहले तो उनसे पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा दोस्त एक चैनल बना रहा है उसका चैनल ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो पहले तो उन्होंने बोला कि सॉरी, इस पर हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक लिंक वगैरह भेजी कि इस पर आप जाओ, इसका फॉर्म फिल कर दो, अगर बाई मिस्टेक हुआ होगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन रीज़न इसका यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं खुद अपने एक दोस्त का चैनल बना रहा था, मैंने दो दो चैनल उसके बनाए, दोनों चैनल डिलीट हो गया, कोई भी गलत वीडियो नहीं डाली गई। फिर मैंने उससे खुद पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तब उसने खुद ही मुझे बताया कि मैंने एक चैनल बनाया था जिस पर मैं इंस्टाग्राम की वीडियो डाउनलोड करके डाल देता था, जिसकी वजह से मेरा वो चैनल डिलीट हो गया। तो उसके डिवाइस में एक बार चैनल डिलीट हो गया तो अब वो जो भी चैनल बना रहा है तो उसके सारे डिलीट हो जा रहे हैं। तो अब मैं खुद के फ़ोन से उसको चैनल बना करके दूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सेम एक और भी दोस्त है, उसने भी मुझे कल से वो मैसेज कर रहा है, वो भी यही बोल रहा था कि मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो उससे भी मैंने पूछा कि क्या डाल रहे हो, दूसरे का वीडियो डालोगे तो यही होगा, वो भाई कसम खा रहा था, कह रहा था मैंने खुद का वीडियो डाला,
है। फिर मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी यही बताया कि मेरा एक बार चैनल डिलीट हो गया था और उसकी वजह से वो जो भी नया चैनल बना रहा है, जो भी डाल रहा है, तो उसका यूट्यूब चैनल यूट्यूब डिलीट कर दे रहा है। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को काफ़ी सारे लोग फेस कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि इसका वीडियो ही बना देना चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोगों का मैसेज आया, तो बस इसका यही सिंपल सा सॉल्यूशन था। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कुछ पर्सनली बातचीत करना तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, वहाँ पर तो बातचीत होती रहती है। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय।